हेलो एवरीवन, आज हम लोग वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैल्यूएशन क्या होता है कि ये एक तरीके का टेक्निक होता है जिससे हम किसी भी प्रॉपर्टी की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है या हमारा जो प्रेजेंट फेयर प्राइस होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस और वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी सच एज ए बिल्डिंग फैक्ट्री और अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस टाइप्स या लैंड एक्सेट्रा। तो वैल्यूएशन क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, चाहे वो हमारा बिल्डिंग हो चाहे वो हमारा फैक्ट्री हो, उसका जो प्रेजेंट टाइम में जो उसका फेयर प्राइस होता है या जो प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू होती है उसको हम डिटरमाइन करते हैं वैल्यूएशन के द्वारा। तो वैल्यूएशन क्या होता है? जो वैल्यूएशन होता है वो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको बताती है वैल्यूएशन। चाहे वो मेरा बिल्डिंग हो या कोई भी फैक्ट्री हो, उसकी जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो प्राइस होगा उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? वैल्यूएशन से डिटरमाइन करते हैं। अब सपोज दैट अगर हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को अगर हम कंस्ट्रक्ट करके 10 ईयर के बाद इसका अगर हम वैल्यूएशन करते हैं 10 ईयर्स के बाद, तो 10 ईयर्स के बाद इसका वैल्यूएशन क्या होता है? उसमें कुछ लॉस होता है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड का यूज किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। वैसे जनरली जो वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं, कई सारे मेथड्स का यूज किया जाता है वैल्यूएशन के लिए, बट जो हम जनरली यूज करते हैं मेथड उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मेथड ऑफ वैल्यूएशन। मेथड ऑफ वैल्यूएशन, पहला जो मेथड होगा वो क्या होगा? डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। सेकेंड जो होगा वो हमारा क्या होगा? रेंटल मेथड। थर्ड क्या होगा? वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। थर्ड होगा वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, सॉरी फोर्थ, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट होगा डेवलपमेंट मेथड। डेवलपमेंट मेथड, ये सारे मेथड होते हैं वैल्यूएशन के। पहला मेथड क्या होता है? डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। सेकेंड वन क्या होता है? रेंटल मेथड। थर्ड होता है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। फोर्थ होता है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। और लास्ट होता है हमारा डेवलपमेंट मेथड। तो इसमें जो मेन वैल्यूएशन मेथड होता है वो हमारा कौन सा होता है? डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन मीन्स किसी भी प्रॉपर्टी का जो हम उसमें लॉस होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं किससे? डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन से। इसमें हम क्या करते हैं? किसी भी स्ट्रक्चर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका हम क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन वैल्यू या डिप्रिसिएशन वैल्यूएशन करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर का जो हम वैल्यूएशन करेंगे डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन से, उसको हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड करके उस स्ट्रक्चर का अलग अलग हम क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन वैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें जब हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेसिकली उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो पहला जो पार्ट हमारा होता है वो क्या होता है? वॉल होता है। सेकेंड वन क्या होगा? हमारा फ्लोर होगा। थर्ड वन जो हमारा होगा वो रूफ होगा। और फोर्थ जो होगा हमारा डोर एंड विंडो होगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वॉल,
फ्लोर, रूफ और डोर एंड विंडो। तो इन चारों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चारों की अलग अलग क्वांटिटी हम कैलकुलेट करके उसका जो डिप्रिसिएशन वैल्यू होगा वो हम डिटरमाइन करते हैं। डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर को हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला किस पार्ट्स में करेंगे, वॉल्स। सेकंड हम फ्लोर, थर्ड रूफ और फोर्थ जो होगा वो डोर्स एंड विंडो, डोर्स एंड विंडो। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को चार पार्ट्स में डिवाइड करके सबका अलग अलग हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा अलग अलग आइटम्स होगा उस अलग अलग आइटम्स का प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट रेट होगा उसको हम क्या करते हैं, उसका डिटेल मेजरमेंट करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, अगर उसका हमें डिप्रिसिएशन वैल्यूएशन करना हो तो उसको हम पहले इस चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम वॉल, फ्लोर, रूफ, डोर एंड विंडो का हम प्रेजेंट रेट जो होगा उसका प्रेजेंट डिटेल मेजरमेंट करेंगे, फिर उसके बाद उसको अलग अलग हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करके सबको ऐड करके उस स्ट्रक्चर का टोटल वैल्यूएशन कॉस्ट हम बताते हैं कि हमारा टोटल वैल्यूएशन कितना होगा। तो डिप्रिसिएशन वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, उस फॉर्मूला क्या है, पी इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस आर डी अपॉन 100 टू द पावर एन। ये हमारा फॉर्मूला जो होता है वो कौन सा होता है, डिप्रिसिएटेड वैल्यू। चलिए इसके फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले डिप्रिसिएटेड वैल्यू, डिप्रिसिएटेड वैल्यू को हम किससे इंडिकेट करते हैं, डी से। इसको डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट में 100 माइनस आर डी अपॉन 100 इनटू द पावर एन। ये हमारा डिप्रिसिएटेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक। डी इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 100 माइनस आर डी अपॉन 100 टू द पावर एन। अब इसमें पी क्या होता है, हमारा जो प्रेजेंट मार्केट रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पी। पी हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट मार्केट रेट, कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट मार्केट रेट, ये हमारा पी होता है। डी हमारा क्या होता है, डिप्रिसिएटेड वैल्यू होता है। आर डी क्या होता है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है। आर डी इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। और एन क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ बिल्डिंग। एन इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ बिल्डिंग। ये हमारा होता है डिप्रिसिएटेड वैल्यू को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम डिप्रिसिएटेड वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं आर। आर जो हमारा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रेट होता है। तो इसमें जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जो आर डी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, घटती जाएगी। जो आर डी कॉन्स्टेंट रेट है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो आर डी की वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू, वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। अब जो आर डी की वैल्यू होती है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए जो हमारा टाइम पीरियड होता है ईयर बाई ईयर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आर डी की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। अब जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड हमारा 20 ईयर भी हो सकता है, 20 से 25 ईयर भी हो सकता है,
फिर उसके बाद 25 से 50 साल भी हो सकता है, 50 से 75 साल भी हो सकता है, 75 से 100 साल भी हो सकता है। तो इन ईयर के अकॉर्डिंग हमारी आरडी की वैल्यू, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा आरडी की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब हम इसमें बात करते हैं कि आरडी की वैल्यू हम क्या कैसे हम डिसाइड करते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आरडी की वैल्यू कैसे हम वैल्यू डिसाइड करेंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अभी हमने बताया जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा जो आरडी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, घटती जाएगी। जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होगा आरडी की वैल्यू हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड और आरडी की वैल्यू की। अगर हमारा कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर है उसका टाइम पीरियड 75 इयर्स है, ठीक, तो हमारी आरडी की वैल्यू 1 होगी। अगर हमारा टाइम पीरियड 50 से 75 साल है, 50 से 75, तो हमारा जो आरडी की वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1.2 होगा, ठीक। अगर हमारा टाइम पीरियड 25 से 50 साल, तो जो हमारा आरडी की वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अगर हमारा जो टाइम पीरियड 20 से 25 साल है, तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अगर टाइम पीरियड हमारा 20 इयर्स, तो हमारा आरडी की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी। तो ये हमारा आरडी की वैल्यू ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा आरडी की वैल्यू क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। जैसे हमारा कोई बिल्डिंग है, अगर उसकी टाइम पीरियड 20 इयर्स है तो हमारी आरडी की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर ये इंक्रीज होकर के 20 से 25 साल हो गया तो टाइम पीरियड हमारा क्या कम हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद जब 50 से 25 साल हो रहा है, टाइम हमारा बढ़ रहा है, तो आरडी की वैल्यू हमारी कम हो गई, 2 हो गया। फिर उसके बाद जब हमारा टाइम पीरियड 50 से 75 साल है तो हमारा आरडी की वैल्यू 1.2 हो गया। फिर उसके बाद जब 75 साल है उसके बाद हमारा टाइम आरडी की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा आरडी की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इस तरीके से जो हमारा किसी भी बिल्डिंग का अगर हम डिप्रिसिएटेड वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे जैसे उस बिल्डिंग का टाइम बढ़ता जाएगा उसमें हमारा क्या होगा, बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन करेंगे उसमें कॉस्ट कम आती जाएगी। अब इसमें बात करते हैं हम कैपिटल कॉस्ट की, कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, कैपिटल कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग लैंड। कैपिटल कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ
टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लैंड, यानी कि जो हमारा कैपिटल कॉस्ट क्या होगा कि जो हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी होगी उसमें हमारा जो लैंड होगा वो भी क्या होगा इंक्लूड होगा। सपोज दैट ये हमारा कोई एक बिल्डिंग है, ये हमारा कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें लैंड की जरूरत होगी, ये हमारा बिल्डिंग हो जाएगा, ये हमारा लैंड हो जाएगा। तो अगर हमें इसका कैपिटल कॉस्ट बताना हो तो हम क्या कहेंगे कि कैपिटल कॉस्ट हमारा क्या होगा, लैंड कॉस्ट प्लस बिल्डिंग कॉस्ट, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल कॉस्ट मिलेगा, कैपिटल कॉस्ट मिलता है। ठीक, किसी भी कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होगा अगर उसमें लैंड का भी कॉस्ट ऐड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। अब हम जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है, जो हमारा कैपिटल कॉस्ट होगा वो क्या होता है टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मींस कि कैपिटल कॉस्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ हमारा कैपिटल कॉस्ट चेंज नहीं होगा। सपोज दैट ये कोई हमने बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसमें हमारा लैंड का भी कॉस्ट है, मींस कि अगर हमारा कैपिटल कॉस्ट है तो अगर हम इसको 20 साल पहले हम इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किए हैं, कैपिटल कॉस्ट हमें 20 साल पहले की पता हो तो हम क्या बताएंगे कि 20 साल बाद हम जो हमारा कॉस्ट होगा वही हम उसको बताते हैं, ना कि हम 20 साल बाद उसको बढ़ा करके बताएंगे। तो कैपिटल कॉस्ट क्या होता है कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता, बट जो उसकी वैल्यू होती है, जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होता है टाइम के साथ चेंज होता रहता है। मींस कि अगर इस कैपिटल कॉस्ट जो हमारा है, इस बिल्डिंग का और लैंड का कॉस्ट जो है 20 साल पहले अगर हमने इसको 20 लाख में परचेज किया तो 20 साल बाद हमारा ये जो 20 लाख है ये इंक्रीज कर जाएगा या घट भी सकता है, बट घटने की प्रायोरिटी बहुत कम होती है। तो ये हमारा 20 साल बाद क्या होगा कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ चेंज होगी, बट जो हमारा कैपिटल कॉस्ट होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू की, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फिर हम बताते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा क्या होता है, जो नेट इनकम के बराबर, जो नेट इनकम के बराबर हमें इनकम दिलाए वो हमारा क्या होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है। तो नेट इनकम के बराबर, जैसे हमने इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, पीआरटी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पीआरटी अपॉन 100। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगा, जो नेट इनकम के बराबर हमें वैल्यू दिलाए उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटलाइज्ड रेट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। तो
कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका इसको हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम नेट इनकम, क्योंकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है, जो नेट इनकम के बराबर हमें वैल्यू दे उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। तो इसको हम नेट इनकम लिख सकते हैं, नेट इनकम इसको इस टू क्या हो सकता है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक, अगर हम इसमें पी हमारा क्या हो जाएगा, यहां कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगा, पी हमारा क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम इसको इधर हम ट्रांसफर करके लिखते हैं तो पी इसको क्या लिख सकते हैं, नेट इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, टी हमारा वन ईयर्स है, अगर हमारा वन ईयर्स है तो पी इसको क्या हो सकता है, नेट इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू पी इसको क्या हो जाएगा, नेट इनकम इंटू 100 अपॉन आर। अगर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम एक फॉर्मूले के बेसिस पे लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं नेट इनकम इंटू ईयर परचेज, नेट इनकम इंटू ईयर परचेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, क्योंकि जो हमारा नेट इनकम आ रहा है, नेट इनकम इसको हमारा क्या होता है, पी आर टी अपन 100 है। तो अगर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमें सेम क्या मिला, पी इक्वल्स टू नेट इनकम इनटू 100 अपन आर। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कि ऐसा इनकम, नेट इनकम जो हमें नेट इनकम के बराबर जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जैसे अगर हमें कोई बिल्डिंग अगर हमने परचेस किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसका हमें अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई 20,000 रुपए का अमाउंट है, तो उस 20,000 रुपए के अमाउंट को हम अगर 5% के रेट से हम डिपॉजिट करते हैं, तो उस 5% के रेट से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहलाता है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगा, कि अगर हम 20,000 रुपए हम डिपॉजिट कर रहे हैं 5,000 रुपए के इंटरेस्ट से, तो जो हमारा 5% के इंटरेस्ट से, तो 5% के इंटरेस्ट के रेट के अकॉर्डिंग हिसाब से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहलाता है। ठीक, तो यानी कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला है वो किस फॉर्मूले से हम डिसाइड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम इसको डिसाइड करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं नेट इनकम हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो नेट इनकम हमारा क्या होता है, ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग इनकम। नेट इनकम हमारा क्या होता है, नेट इनकम इक्वल्स टू होता है, नेट इनकम इक्वल्स टू ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग इनकम, ये हमारा होता है नेट इनकम का फॉर्मूला। अब इसको हम सिंपल से लैंग्वेज में बताते हैं, जैसे ये कोई हमारा एक होटल है, ये हमारा कोई होटल है। ठीक, अगर इस होटल से
इस होटल से जो टोटल हमें इनकम मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ग्रॉस इनकम होगा। इस होटल से जो हमें इनकम मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस इनकम होगा। अब इस होटल में वर्क करने वाले जो भी लोग हैं उनको जो भी हम सैलरी पे करते हैं तो वो सैलरी हम उसको क्या कहेंगे, आउटगोइंग इनकम बोलेंगे। तो इसके बेसिस पे अगर हमें नेट इनकम बतानी हो तो हम नेट इनकम क्या कह सकते हैं कि इस होटल से जो हमें इनकम मिल रहा है उसके बाद से उस इनकम से उस होटल में वर्क करने वाले एम्प्लॉयियों को जब हम उनकी सैलरी पे करते हैं तो वो हमारी इनकम क्या कहलाती जाती है, आउटगोइंग इनकम। तो जब हम ग्रॉस इनकम से आउटगोइंग इनकम को माइनस करेंगे उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू हमारा क्या होता है, नेट इनकम कहलाता है। मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर कोई होटल है उस होटल से जितना हमें प्रॉफिट होता है वो हमारा ग्रॉस इनकम होगा। अब उस इनकम से उस होटल में वर्क करने वाले एम्प्लॉय को जब हम सैलरी पे करेंगे तो उस सैलरी को हम ग्रॉस इनकम से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो उसके बाद जो इनकम हमें मिलेगा वो हमारा इनकम क्या कहलाता है, नेट इनकम कहलाता है। ये हमारा होता है नेट इनकम का फॉर्मूला। अब हम इसमें एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम कैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। एक क्वेश्चन है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इफ A net annual rent of 1,000 and the rate of interest मीन्स ये एक क्वेश्चन हमारा कि किसी अगर हम कोई नेट सॉरी अगर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का जो नेट एनुअल रेंट है वो 1,000 रुपए है और जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा कितना है, 5% है। अगर हमें इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा अभी हमने फार्मूला क्या बताया कि फार्मूला हमने बताया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू का, P इज कॉल्स टू नेट इनकम इनटू 100 डिवाइडेड बाय आर नेट इनकम इनटू 100 डिवाइडेड बाई आर। ये अभी हमने फॉर्मूला बताया, पी हमने क्या बताया था, पी इज कॉस्ट टू क्या होता है हमारा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये हमारा नेट इनकम का फॉर्मूला होता है, सॉरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू का होता है। तो नेट इनकम जो हमारा नेट रेंट है वही नेट इनकम हो जाएगा, यानी कि 1,000 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि 5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20,000 रुपये।
20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए हमारा क्या है, ये हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा पी की वैल्यू हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉपर्टी का कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में हमारा क्या क्या गिवन रहेगा, जो नेट इनकम होगा वो गिवन होगा, या जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो गिवन होगा। तो इसके बेसिस पे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंकिंग फंड के बारे में, कैसे हम सिंकिंग फंड कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक।